नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग में। किसी गनमैन के आता था रूस, अमेरिका जब आया है 2001 में, फिर बदनामी शुरू हुई है और फिर तबाही बर्बादी शुरू हुई है और फिर जहां पर मसाइल पैदा हुए हैं, फिर 70,000 आदमी शहीद हुए। यानी आप मुझे ये समझ नहीं आती किस स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पर हम कहते हैं कि अमेरिका जब जाएगा तो बदनामी पाकिस्तान में आएगी। पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि उस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, हम बैठ के यहां ठेकेदार बन रहे हैं। खान इमरान खान साहब भी कहते हैं वसी और बुनियाद हुकूमत कायम करो। इमरान खान साहब को कहे कोई कि तुम पीपल पार्टी के साथ या नून लीग के साथ बैठ के यहां वसी और बुनियाद हुकूमत कायम करो तो करेंगे? नहीं करेंगे। उनके लिए हम जहां पाकिस्तान बैठ के मामा बनता है किस खुशी में। दूसरी एक और बात बताऊं, 1989 में चला गया है रूस वहां से। उस 89 से लेके सेप्टेंबर 1994 तक पाकिस्तान ने मुदाखलत की, मुजद्दी को अमेरिका के कहने के ऊपर वहां पर बिठाया उनको, हिकमत यार उनकी लड़ाई शुरू हुई। इतनी शदीद लड़ाई थी तो सितंबर 1994 से लेके 2001 तक ये जो 6-7 साल गुजरे हैं, 96 में काबुल पे तालिबान फतह किया है। अफगानिस्तान की गुज़श्ता 100 साल की तारीख में अगर कहीं अमन है तो 5 साल तालिबान का अमन है, सिवाय इसके कि शुमाली ताज का वो इलाका कि जहां फारफोर की उस इंडियन बेस के ऊपर ताजिकिस्तान में अहमद शाह मसूद को ले जाया गया, उसको पैसे दिए गए, उसको बंदूकें दी गई, उसको 10 हेलीकॉप्टर दिए गए, इंडियंस ने दिए, उसके साथ साथ अमेरिकन ने दिए और वो जाके वहां लड़ता रहा और वहां फोर्स। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि कब तक तालिबान वाहिद ताकत थी कि जिसने वहां अमन कायम किया है, 5 साल कायम किया है और इस तरह का अमन कायम किया है। और ये सब ये जो गवर्नमेंट के फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के जो बयानात आ रहे हैं, शामिमुद कुरैशी का भी बयान आया है कि वहां पर अमेरिकन फोर्सेस के जाने के बाद खाना जंगी शुरू हो जाएगी, क्या ऐसा आपको होते हुए नजर नहीं आ रहा है? मैं आपको बताऊं, आज से 3 महीने पहले अमेरिकन इंडियंस इनने मिलकर बकायदा सोचा कि फारफोर का जो ताजिकिस्तान का बेस है वहां से हम उस पक्ष को ताज को करे कहेंगे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला वहां पहुंचा, अहमद शाह मसूद का बेटा वहां पहुंचा, उस्ताद अता वहां पहुंचा। तालिबान ने पहला काम जो किया आज से 1.5 महीने पहले तक, उन्होंने पूरी पूरी ताजिकिस्तान की सरहद जो है अपने कंट्रोल में ले ली। चीखे मारते हुए पाकिस्तान के पास आए, हमें दो बस अड्डे, हम यहां पर इसे करेंगे। क्या हो गया? कुछ भी नहीं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाग के वहां पहुंचा हुआ है। अच्छा, उसका अशरफ खानी अमेरिका पहुंचा हुआ है। 21 जून को अमेरिकन कांग्रेस में यह करारदाद पेश होती है और ब्लिंकन को बुलाया जाता है कि 20,000 वो लोग जो मुतरजम थे, जो अमरीकियों के साथ थे, उन्होंने हमें अब इमिग्रेशन की दरखास्तें दी हैं, अल्लाह के लिए निकालो इन शकील अफरीदियों को, ये तो मारे जाएंगे वहां पर। आपको लगता है कि अफगान गवर्नमेंट और तालिबान आपस में मिलकर इकट्ठे फॉर द बेटरमेंट ऑफ अफगानिस्तान इस पर एक इकट्ठे होकर चल सकेंगे? मसला अफगानिस्तान का एक निज़ाम हुकूमत पर मुत्तफिक होना ना है। तालिबान ने बजोरे बाजू अगर अफगानिस्तान पर कब्जा कर भी लिया, पहले भी किया, उन्होंने 5 साल हुकूमत रखी, तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो नहीं होगी जो आप बंदूक के जोर पे बनाएंगे। ना तालिबान किसी इलेक्ट्रल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, ना वो किसी निज़ाम हुकूमत पर मुत्तफिक होना चाहते हैं। अब आप ये कहें कि मैं सारे स्टेक होल्डर्स को निकाल दूंगा बजोरे बंदूक और अपने बंदूक की ताकत से सबको निकाल दूंगा और अपनी बंदूक की ताकत से अपना निजामे हुकूमत कायम करूंगा और वही सबको मानना होगा, तो फिर दुनिया उसको नहीं मानती है, फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर कहीं आपका सफीर नहीं होता। तो दुनिया फिर क्या करेगी अगर मानती है? देखिए ना, बात यह है कि तालिबान ने अगर, और यह सब कह रहे हैं कि 88% इलाके पर कब्जा कर लिया है, तो अभी तक किसी सूबे का दारुल हुकूमत तो उन्होंने कब्जा नहीं किया। अभी काबुल पे उन्होंने कब्जा नहीं किया, चंद जिले ही हेडक्वार्टरों पे कब्जा किया है, 7 शहरों का मुहासरा जरूर उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी अपने पांव रोके हुए हैं इस वक्त, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चल के करना क्या है। क्यों इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने उन्हें काबुल में दाखिल होने से रोका है, समझाया है कि भाई अभी फॉल ऑफ काबुल नहीं होना चाहिए,
क्योंकि जब तक किसी निजामे हुकूमत पर मुत्तफिक नहीं होंगे, मुजद्दती और हिकमतयार में क्या लड़ाई थी, क्योंकि किसी निजामे हुकूमत पर तालिबान को हम चला रहे हैं, कैसे इक्तदार में आएंगे, बंदूक की ताकत में इक्तदार में आएंगे तो वो दुनिया नहीं मानेगी। आपको इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, आप अमेरिका के कराए हुए इलेक्शनों को फ्रॉड कहते हैं, आप खुद किसी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते, खुद कोई निजामे हुकूमत आप पेश नहीं करना चाहते कि हमारे यहां जो निजामे हुकूमत होगा वो ऐसा होगा, दुनिया को उससे बात नहीं करना चाहते। तो बंदूक पर बनाई हुई हुकूमत को जब आप कहेंगे कि वो सब मान लें तो उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, ये पहले भी देखी है और आइंदा भी देखेंगे। पहले तो तीन मुल्कों ने मान ली थी उनकी हुकूमत, मुझे डाउट है कि इस बार वो तीन मुल्कों ने भी उनकी हुकूमत नहीं माननी जिन्होंने 94 से 96 तक मान ली हुई थी। वो तीन मुल्क भी आज इस पोजीशन में नहीं है कि उनकी हुकूमत तालिबान को हम चला रहे हैं, तालिबान को। आपने कहा ना इमरान खान साहब ने रोका हुआ है, उनके बयान से तो यही लग रहा है ना कि हम चला रहे हैं, और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए उनको। अगर देखें मेरी बात सुने, आपको ऐसे उनके बयान इंटरनेशनल मीडिया में और अफगानियों ने कैसे उनको सोशल मीडिया पे चलाया है कि इसका मतलब है कि आपके हाथ में रिमोट है, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये तो एक इल्जाम है ना बहुत बड़ा, मतलब तालिबान का हमारे से क्या ताल्लुक, क्या लेना देना। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने हमने उन्हें काबुल पर हमला करने से रोका हुआ है। अच्छा, अब आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ही इज कॉलिंग द शॉट्स, रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। और तालिबान को भी अपने अशरफ, अगर तालिबान भारत से तो कतर में बैठ के मुजाकरात कर रहे हैं, हम आज तालिबान की इतनी वकालत कर रहे हैं, हम आज तालिबान की इतनी वकालत कर रहे हैं, कोई मुजाकरात नहीं, कोई मुजाकरात, कतर ने तस्दीक किया भारत से, कतर ने तस्दीक किया मुजाकरात की मुलाकात।